जब भी कुछ चटपटा खाने का दिल करे तो इस तरह हम कोई भी नया नाश्ता बना के खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसमें हमने वो चीज़ें डाली हैं जो हमारे बच्चे नहीं खाते। ये देखिए, हमने इसके लिए एक प्याज, एक टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को बारीक काट लिया और 1 आलू को काट के पानी में डाल दिया ताकि वो काला ना हो। ये हमने एक लौकी को लिया है, ये हमारे इधर कद्दू बोलते हैं इसे, घिया भी बोलते हैं, इसे हमने छील के पानी में डाल दिया था क्योंकि ये भी काला हो जाता है। इसे भी हम रफली चॉप कर लेंगे। ये वाली सब्जी तो हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर हम इस तरह से बना के देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा और हम उन्हें खिला देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अपने मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसका एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। एक बार में सब चीज़ें नहीं आएंगी तो हम इतना ही डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच भर के जीरा डाल लेंगे और इसे हम एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। बाकी का जो सामान बचा है उसे हम बाद में दोबारा से बीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक पेस्ट बना ली है। अब इसे हम एक बड़े से बाउल में डाल देंगे। ऐसे ही हम बाकी की दोनों चीज़ों भी डाल देंगे मिक्सी के जार में। इसे भी हम एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें बाकी सारी सब्जियां स्किप करके यही वाला लौकी डाल सकते हो। इससे भी बहुत ही हमारा टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा। लेकिन मैंने इसे थोड़ा सा ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इस तरह मैंने आलू प्याज और टमाटर को भी ऐड कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक डालने से जब हम आलू और लौकी को बीट करते हैं तो वो काला नहीं होता, उसका कलर वैसा ही बना रहता है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया जो मिक्सी के जार में हमारा बैटर लगा हुआ था। थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे, जैसे 1/2 टीस्पून सब हल्दी पाउडर डाला, स्वाद अनुसार नमक डाला, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर डाला और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाला जिससे बहुत ही टेस्टी बनता है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक बहुत ही ध्यान से डालें क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था, तो हमने हाफ पहले डाल दिया था, हाफ हाफ डाल दिया। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी डाल सकते हो। और 1 कप गेहूं का आटा डाला तो 1/2 कप इसमें हमने बेसन डाल दिया। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के दही का ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से घोल लेंगे, इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, अभी इसी तरह इसे मिक्स करेंगे। पानी बाद में जितना ज़रूरत होगा उतना डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना हो। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक है बैटर, तो इसे हम थोड़ा सा पानी डालते हुए एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार करेंगे, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा कड़ा हो। ये देखिए, इसी तरह का बैटर चाहिए हमें। ऐसे ही गिरना चाहिए। आप इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा वैसा ही बैटर चाहिए जिसे वैसा ही है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फैट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। अब एक पैन को इस तरह हम घी लगा के गर्म कर लेंगे। आप चाहे तो तवे के ऊपर भी बना सकते हो इसे। इसमें 1 चम्मच घी में ही हमारा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 1 से 1.5 चम्मच भर के, बड़ा भर के हम डाल देंगे। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा पतला करेंगे। इसी तरह हम थोड़ा सा इसे फैला देंगे, जितना आराम से ये फैल जाएगा उतना ही इसे फैला देंगे। और इसे
2 से 3 मिनट तक ढककर हम पकाएंगे, जब तक ऊपर से ये सूख नहीं जाता। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे, 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। देखिए ऊपर से अच्छे से सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सा हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाए। आप चाहे तो इसे बिना घी के भी बना सकते हो। अब इसे हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ये बहुत ही आराम से इसकी साइड चेंज हो जाती है और बहुत ही अच्छा कलर बनता है इसका। देखिए नीचे से कितना अच्छा कलर बना है इसका। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह हम अच्छे से पका लेंगे, दोनों तरफ से इसे सेकते हुए पका लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनता है, इसे हम कहीं सफ़र में जाना हो तो भी इसे बना के साथ में पैक कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी सूखता नहीं, जैसे हम बना के लेके जाएंगे वैसे ही रहेगा। टिफ़िन में भी इसे डाल सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह हम दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक के रख लेंगे और एक हमारे ये पराठे में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह हमने 2 पैन पे बना लिया ताकि हमारा जल्दी से नाश्ता बन के तैयार हो जाए। इसी तरह फिर से हम तवे के ऊपर घी लगा लेंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस 1 चम्मच ही लगता है। जैसे पहले डाला था वैसे ही हम 1 से 1.5 चम्मच भर के बैटर डाल लेंगे और इसे हम बहुत ही आराम से फैला देंगे। जितना आराम से ये फैल जाएगा उतना ही बड़ा कर देंगे इसे। तो इस तरह हम इसका बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा भी फैल जाए तो हम इसे सेट कर सकते हैं बाद में। ऐसे हम इस तरह पलटे से थोड़ा सा ठीक करते हैं तो ये अच्छे से गोल गोल बन जाएगा। तो देखिए हमने सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया, बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बना था। इसे हम चाहे तो किसी भी केचप के साथ खाएं या फिर इसे दही के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, आपको हम दिखाते हैं कितना ये सॉफ्ट है। इसे कैसे भी फोल्ड कर लें, ये टूटता भी नहीं है। ये देखिए इतना ही सॉफ्ट हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ था। तो आप भी इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी में। थैंक यू।